आप भले ही दावा कर दें विदेश में जाके कि हम सबसे बड़ी लोकशाही चलाते हैं, हम युद्ध के नहीं बुद्ध के धरती से आए हैं, लेकिन यथार्थ यह है कि भारत में लोकशाही की जड़ें कभी रही ही नहीं। आज हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। आज हम बात करेंगे जो बैलेट पेपर वाला मसला है, उसमें मैं कुछ सोच रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था। बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सीरियस डिस्कशन हुआ है, सिर्फ जार्गन्स ही नहीं हुए हैं, बहुत लोग बहुत सीरियस बात बोले हैं दो दिन में। लेकिन मुझे लगता है अभी सावित्री जी यहाँ थी तो चर्चा चल रही थी, कुछ मीटिंग की बात कर रही थी। मैंने कहा जिस दिन इस बहुजन जमात में ये प्रवृत्ति आ गई कि मैं नहीं खाऊंगा, पहले वीरेंद्र जी को खिलाइए, मैं वो वीरेंद्र जी बोले कि इनको खिलाइए, ये बोले उनको खिलाइए, जिस दिन ये प्रवृत्ति आ जाएगी ना, उस दिन ही जितना डिमांड है सब कंप्लीट हो जाएगा। मिला जुला के 5 साल कार्यक्रम होता है, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं और सब रास्ता जाता है वो सिर्फ चुनाव की ओर जाता है। मेरे कहने का इशारा समझ लीजिए कि जिस दिन मैं कहूँ कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, अमित को लड़ाइए, सुमित को लड़ाइए, अनिल को लड़ाइए, वो बोले कोई और को लड़ाइए, जब पास दे के खेलेंगे तभी गोल होगा, पास दे के नहीं खेलेंगे गोल नहीं। कल भी मैंने कहा था कि हमारी दिलचस्पी चुनावी राजनीति में फिलहाल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपोलिटिकल हूं, गैर राजनीतिक हूं, नहीं, बहुत ही राजनीतिक। राजनीति का अर्थ सिर्फ चुनाव नहीं होता है। तो 25-30 साल का सार्वजनिक जीवन है, एक्टिविस्ट भी रहा हूं और इसीलिए मैं जहां भी जाता हूं ना, एक अल्टीमेटली उभर के आता है कि हम ही चुनाव लड़ेंगे। क्यों भाई, सबको चुनाव लड़ना, ये तो लोग तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा। तो टिकट और चुनाव के आगे भी जहां है, इसको आरएसएस 1925 में विजुअलाइज कर लिया था। तकरीबन 100 साल लगे हैं पूरी तैयारी करने। जिसकी संस्कृति समाज की जड़ें मजबूत नहीं होती है, उसकी राजनीति भी मजबूत नहीं होगी, ये समझने। और मैं तो पॉलिटिकल रहा हूँ, ये सब 10-20 साल पॉलिटिक्स में लगाकर बैठे हुए हैं साथी, हम कई साथी बहुत दिन से जानते हैं। और मैंने वापसी की फिर एकेडमिक्स की और पढ़ना शुरू किया, बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर लॉजिक दिए, तर्क किए हुए। कांशीराम जी क्या किए थे पता ही नहीं है। अरे हम लोग क्या कर रहे थे, हम सब मिशन चला रहे, कोई मिशन नहीं चल रहा है। जिस दिन ये भावना आए कि कोई चलाए ना चलाए, हम तो जरूर चलाएंगे, हम तो जरूर पढ़ेंगे। बिना पढ़े, बिना कांशीराम जी का 10 वॉल्यूम किताब निकला हुआ है, मैंने मंगवाया, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं तो जिस समय पॉलिटिक्स में था मुझे कुछ आता ही नहीं था। अंबेडकर साहब को पढ़ रहा हूँ, अंबेडकर नामा चला रहा हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए। तो ये कलेक्टिव कॉन्शसनेस, सब यहाँ लाइन में है हम ही को मुख्यमंत्री बनाओ, समाज तो ऐसा होना चाहिए। किसी ब्राह्मण ने दावा नहीं किया कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मोहन भागवत में थोड़ी कहा कि मुझे बनाओ प्रधानमंत्री। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉलिटिक्स पास दे आने वाली पीढ़ी के टैलेंट को भी नर्चर करी। बहरहाल जो बैलेट वाला मसला है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहा था। आप भले ही दावा कर दें विदेश में जाके कि हम सबसे बड़ी लोकशाही चलाते हैं, हम युद्ध के नहीं बुद्ध के धरती से आए हैं, लेकिन यथार्थ यह है कि भारत में लोकशाही की जड़ें कभी रही ही नहीं। द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, उनका लेख है, वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया इंटरव्यू है, वो पढ़ा जाना चाहिए। ठेल ठाल के गलती से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मिला वो था वोट देने का अधिकार, आरक्षण नहीं। जिस दिन हम सब 85-85 रटते हैं, जिस दिन वोट देना सीख गए सही से और नेता बनाना सीख गए, आरक्षण की जरूरत ही नहीं हो, ईमानदार अगर नेता हो तो। यह मिशन और इसका काम ईमानदार लोग चला सकता है। चार चार फ्लैट खरीद के और पांचवा फ्लैट का लाइन लगाए हुए हैं, चार गाड़ी खरीदे हुए, पांचवा भी खरीदने के जुगाड़ में, वो मिशन उसे नहीं चलता है, बेकार की बात है। बोलो कि भाई टिकट का मंत्री बनने का जुगाड़ कर रहे हैं, सीधा बात है। एक राइट मिला था जो सबसे महत्वपूर्ण
इतिहास के छात्र होने के नाते मैं मानता हूं वह वोट देने का अधिकार, क्योंकि इससे आपको जो है ना प्रजा से नागरिक बनाया गया, फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिटीजन। अब धीरे धीरे आप लीला देखिए, ये कह रहे हैं ये 21वीं सदी में डिजिटल जमाने में कह रहे हैं कि जहां की आप आकाश में बैठ के पूरे धरती का पूरे सर्विलांस कर सकते हैं, पूरे मंगल को आप जाके वहां फोटो खींच रहे हैं, उस समय सात सात चरण में चुनाव करवा रहे हैं, कह रहे हैं फेयरनेस के लिए। सॉरी, जो लोग बूथ लूट रहा था, याद कीजिएगा, जो लोग बूथ लूटता था वही लोग आज ईवीएम भी लूट रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। पहले ईवीएम आने से पहले एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव होता था, आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इतने फौज है, पुलिस है, सब कुछ है। बिहार में चुनाव हो तो चार चरण में होगा, क्या मतलब है? मतलब है कैसे सेटिंग करना है, कैसे चेंज करना है ईवीएम, हेरा फेरी कैसे करना है, तो आपकी इफिशियंसी बढ़ी कहां? आप इतने फोर्सेस हैं, उठाओ और सीधा सर्विलेंस लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, कौन बूथ लूट रहा है देखते हैं। अरे तुमको इलेक्ट्रॉनिक ही कराना है तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव क्यों करवाए वोटिंग से, जब देश के प्रथम नागरिक का चुनाव कागज बैलेट पेपर से हो सकता है तो आम चुनाव क्यों नहीं हो सकता? आपने सुई नहीं बनाई है, जनऊ भी हमारा ही लोग बना के दिया है, सुन लीजिए, हमारा ही लोग बना है। जिस देश में मशीन बना, जिसमें आविष्कार हुआ, वैज्ञानिक क्रांति आई, उस देश में तो बैलेट पेपर पर हो रहा है, और आपके यहां मशीन से हो रहा है। सीधा सवाल है, जब से जो है, जब से आपके अंदर वोट देने की चेतना आई है, कॉन्शसनेस आया है, और जिससे लगा कि लालू यादव भी नेता बन सकता है, मायावती भी बन सकती है, काशीराम भी बन सकता है, मुलायम सिंह यादव भी बन सकता है, मतलब ओ अब यादव जी अब नेता बनेंगे, उसी दिन से लीला शुरू हो गई है। लेकिन डर दुख इस बात का है कि जिनको सीएम और पीएम की दावेदारी करना है वो ईवीएम के सवाल पे वो चुप रहते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा ईमानदार लोग ही मिशन चला सकते हैं, ईमानदार लोग ही लड़ सकते हैं, ये नेता लोग भी डरा हुआ है, ईडी से और सीबीआई से डरा हुआ है, इसलिए इसको बचाइए। डेमोक्रेसी रियल, आप कितना आंदोलन कर लीजिए, कान सरकार दो ही तीन बार हारा है जो कि लगातार इनको रगड़ना पड़ता है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मसला है। जिस नेता को वोट देते हैं उसको बोलिए कि संसद और विधानसभा में जाकर उठो, आवाज उठाओ, क्योंकि वो तो अपना माल उल कमा के कहीं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका में रखा हुआ होगा। आपके बच्चे के स्कूल कॉलेज सब खत्म हो रहे हैं, आपके सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। अपने नेताओं से सवाल पूछिए। शुक्रिया, थैंक यू।